राजस्थान में प्री मानसून की बारिश ने सड़कों को पूरी तरह जलमग्न कर दिया है। यहां करीब 3 घंटे तक लगातार बारिश हुई है। लगातार बारिश की वजह से यहां कई घरों में पानी भी घुस गया है। कई गाड़ियां बारिश के पानी में बहती नजर आईं। जिले में सोमवार को सुबह से गर्मी व उमस ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया था। सुबह से आसमान में बादल छाए हुए नजर आ रहे थे। दोपहर बाद तेज हवा के बाद आसमान में बादलों ने डेरा डाल दिया। शहर में देर शाम को शुरू ही बारिश काफी देर तक चली। सीमावर्ती बाड़मेर जिले में प्री मानसून बरसात में बीते 12 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 3 घंटे में जिले के विभिन्न इलाकों में करीब 67 mm तक बरसात हुई। सीमावर्ती चौहटन इलाके में लगातार 4 घंटे के बाद चली भारी वर्षा के कारण कस्बे में एक बार की बाढ़ जैसे हालात बन गए। यहां सड़कों पर खड़ी कार और दुपहिया वाहन पानी में बह गए तो दूसरी ओर घरों में 4 से 5 फुट तक पानी घुस गया। चौहटन कस्बे सहित सरहदी गांवों में मौसम का मिजाज बदलने के बाद मूसलाधार बरसात का दौर शुरू हो गया। कस्बे में जमकर बरसात होने से पूरा कस्बा पानी ही पानी हो गया। लगातार कई घंटों तक चली मूसलाधार बारिश के चलते निचली बस्तियों में पानी भर गया है। बाड़मेर में करीब 3 घंटे तक लगातार बारिश से सड़कें दरिया बन गई और कई जगह पानी भर गया। बरसात के साथ बिजली भी कड़कती रही। तेज रफ्तार बरसात से पूरा शहर ठहर गया। देर शाम को शहर की सड़कों पर पानी बहता रहा। लोग ड्यूटी के बाद घरों की ओर लौट रहे थे, लेकिन बरसात के कारण बीच रास्ते में ही रुकना पड़ा। बारिश का जोर बढ़ता गया और देखते ही देखते सड़कों पर वाहन चलाना मुश्किल हो गया। मौसम विभाग ने जिले में से बूंदाबांदी का पूर्वानुमान जताया था, लेकिन यहां तो जिले में कई स्थानों पर रुक कर जैसे मानसून ही आ गया हो। बाड़मेर शहर में सोमवार रात 8:30 बजे तक 67.1 mm रिकॉर्ड दर्ज की गई। वहीं जिले के कई कस्बों में भी जमकर बरसात हुई है।